अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम्स. स्टूडेंट्स, माय सेल्फ फातिमा ज़ाहिद एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ सोशल स्टडीज. इट्स अ लेक्चर नंबर 10 एंड टुडे इज 20th May 2021 एंड इट्स थर्सडे. ओके, लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू लेसन which is lesson number 4, means of communication. And you know that we have discussed what is communication, what are the means of communication. So you all know communication kya hota hai. Basically it is exchange of information, apne ideas ko exchange karna, apne information ko exchange karna, feelings ko exchange karna, ye tamam cheeze aa jati hai communication mein. Agar hum easy wording mein baat karein to communication hota hai, hum jise kehte hain communicate karna, यानी कि बातचीत करना कहलाता है कम्युनिकेशन. ओके, ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी दैट दीज आर सम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर्स एंड टेलीफोन्स एंड रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, न्यूज़पेपर्स. स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि आज के इस करंट एरा में, इस दौर में कौन से ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जो कि बहुत कम हो गए. लेटर्स, क्या आप समझते हैं कि लेटर्स अभी भी मतलब लिखे जाते हैं, कम हो गए इनके वैसे ही जैसे पहले लिखे जाते थे उस तरह से? यस, अब कम हो चुके. क्यों? क्योंकि अब सोशल मीडिया ने सब कुछ मतलब इन तमाम चीज़ों की जगह किसने ली? सोशल मीडिया ने. टेलीफोन्स, पहले हमारे हर घर में टेलीफोन्स होते थे, बहुत कम हो गए टेलीफोन्स, किसी किसी घर में होता है. इस तरह रेडियोज़ का रुझान भी लोगों का बहुत कम हो गया. टेलीविजन स्टिल अभी यूज़ किया जाता है. मोबाइल फ़ोन्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. न्यूज़पेपर्स, इसी तरह न्यूज़पेपर्स भी कम हो गए. क्यों? क्योंकि अब हर चीज़ आपके एक मोबाइल फ़ोन के अंदर आ गई है. हम तो ये इन तमाम चीज़ों का रुझान कम हो गया. इन तमाम चीज़ों की जगह किस तरह है? यस, सोशल मीडिया हैज़ टेकन प्लेस ऑफ दीज ऑल दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब सोशल मीडिया क्या है? आई होप आप सब इस टर्म से फेमिलियर होंगे. डेली लाइफ में बहुत सुना जाता है कि सोशल मीडिया ऐप, सोशल मीडिया. तो अब सोशल मीडिया है क्या? बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. क्या है? ये भी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया, लेकिन कम्युनिकेशन किस तरह की? यस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या होता है जी? हम वेबसाइट्स बना लेते हैं, सोशल नेटवर्किंग, मार्केटिंग वगैरह. हम क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं. यू कैन सी दैट थ्रू विच यूज़र्स क्रिएट ऑनलाइन कम्युनिटीज़. कम्युनिटीज़ मीन्स ग्रुप्स की फॉर्म में आ जाता है. ऑनलाइन कम्युनिटीज़ यानी ग्रुप्स बना ले जाते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, पर्सनल मैसेजेस एंड अदर कॉन्टेंट सच एज वीडियोज. ओके, क्या होता है? सोशल मीडिया बेसिकली एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, कम्युनिकेशन की फॉर्म है. कम्युनिकेशन किस तरह की? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं जहाँ हम अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस या और डिफरेंट कॉन्टेंट्स जस्ट लाइक वीडियोज़ को हम शेयर करते हैं. ओके, वेल नाउ आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि सोशल मीडिया है क्या बेसिकली. अब हम डेली बेसिस पे बहुत से सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं. अब वो कौन कौन सी ऐप्स हैं? मेनली जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की थी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड देयर आर मैनी अदर ऐप्स. ओके, हियर यू कैन सी दैट इन द इमेज बिलो. ओके, आई होप नाउ आपको क्लियर हो गया होगा कि सोशल मीडिया बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ज़रिया है जिसमें लोग यूज़र्स जो उनको मतलब यूज़ करते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं जिसमें वो अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेजेस को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और डिफरेंट कॉन्टेंट्स को जस्ट लाइक वीडियोज़ को भी शेयर करते हैं. ओके ओके, विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज्ड. एडवांसमेंट यानी कि तरक्की. अब देखो कि जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, कम्युनिकेशन के ज़राए भी चेंज हो गए. अब किस तरह से चेंज हुआ? जस्ट लाइक पहले हम देखते थे, देखें टुडे सोशल मीडिया इज़ कंसीडर्ड मोर इफेक्टिव दैन न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन. अब अगर हम पहले ज़मानों की बात करें तो कम्युनिकेशन का क्या सोर्स होता था जी? लेटर्स लिखे जाते थे, हम लिखते थे और हम रेडियोज़ के थ्रू सुनते थे या और क्या कहते हैं, और भी डिफरेंट फॉर्म्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, लेटर्स थे, रेडियोज़ थे. अब आज इन तमाम चीज़ों की जगह किसने ले लिया है?
Yes, social media has taken place of all these means of communication. Okay, we can spread our messages everywhere within few seconds. आपने देखा होगा कि फॉर सपोज अगर हम पहले वक्तों की बात करें, आज से कोई 15-20 साल पहले की अगर हम बात करें, तो क्या था कि अगर हमारा कोई मतलब फैमिली मेंबर किसी दूसरे मुल्क में रहता है तो हम क्या करते हैं, या दूसरे शहर में रहते हैं जी, हम उसको लेटर्स लिखते हैं, 2-4 दिन लगा के हम लेटर लिख रहे हैं, फिर देन 4-5 डेज लगते थे उस लेटर को पहुँचने में, और फिर वो अगला बंदा पढ़ता था लेटर, उसको जवाब लिखता था, आराम से बैठ के कुछ दिन लगा के फिर वो लेटर हमें रिसीव होता था 4-5 दिन बाद। तो आप देखिए कितना मतलब लंबा प्रोसेस है। कैन यू इमेजिन कि अगर हम आज तो हम जितने वो हमें तो पेशेंस ही नहीं रही, हमारा होता क्या जी हमने मैसेज किया फौरी से हमें जवाब मिल जाए, ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स। तो क्या है ये तमाम चीज़ किसकी वजह से, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है। आज अगर हम आज देखें हमारा कोई फैमिली मेम्बर किसी दूसरे मुल्क में है, तो विद इन सेकेंड्स ना सिर्फ हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं कॉल पे, बल्कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम उस फेस टू फेस आ सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। सिमिलरली पीपल कैन रिप्लाई ऑन योर मैसेज क्विकली, बिल्कुल इसी तरह से क्या है, लोग आपके मैसेज का फौरी से रिप्लाई यानी कि जवाब दे सकते हैं फौरी से। लेकिन लेटर्स अगर हम देखें, लेटर्स में फौरी तो नहीं रिस्पॉन्स आता था ना, अगर आज हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, फेसबुक या कहीं भी हम मैसेज करते हैं, तो हमें फौरी से रिस्पॉन्स मिल सकता है। इन एडिशन यू कैन मेक यू वीडियो एंड अपलोड इन सोशल मीडिया। हम और अगर हम इसमें एडिशन करें तो क्या कर सकते हैं, हम अपनी वीडियोज़ बना के अपलोड कर सकते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब में डिफरेंट लोग व्लॉग्स बनाते हैं, क्या करते हैं अपने किसी भी कंटेंट होता है उनका कोई, मतलब जैसे अपनी डेली लाइफ पे कोई ना कोई वीडियो बना ली और उसको अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी। तो ये क्या है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, बेसिकली इन तमाम चीज़ों को लोगों से कनेक्ट रहना। अगर आप आज देखें कि वे सोशल मीडिया इज़ गुड, सोशल मीडिया की मतलब एडवांटेजेस के सेंस में अगर हम बात करें तो क्या क्या एडवांटेज हैं, किस वजह से अच्छा है, इसके फ़ायदे हैं। अगर हम फर्स्ट देखें, कनेक्टिंग टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यस क्या कहते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर के लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं, रबते में रहते हैं। देखें ना, हम क्या कहते हैं, फॉर सपोज हमने ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप अगर हम बनाते हैं, तो फॉर सपोज हमारा कोई फैमिली हम इंग्लैंड में, कोई अमेरिका में, कोई हम पाकिस्तान में, तो हम तमाम लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, तो हम लोग क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। फाइंडिंग ग्रुप्स वे यू बिलोंग, अब आपने देखा होगा फेसबुक पर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जस्ट लाइक कुकिंग ग्रुप्स हो गए, कोई इंफॉर्मेटिव ग्रुप्स हो गए, मोटिवेशनल स्पीच के ग्रुप्स हो गए, तो हम जो मतलब हमारी क्या कहते हैं, हम फॉर सपोज हमें जी कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो हम कुकिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। मोटिवेशनल लेक्चर्स में हमें इंटरेस्ट, हम उस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। शेयरिंग इंपॉर्टेंट मोमेंट्स विद पीपल यू केयर अबाउट, इसके थ्रू हम लोगों से अपने स्पेशल इंपॉर्टेंट मोमेंट्स शेयर कर सकते हैं। फीलिंग लेस अलोन, मोस्टली ऐसा होता है कि हम बहुत पोअर फील कर रहे थे, तो हम इसके थ्रू लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये तमाम फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के। अब जिस तरह से हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, मेनली वो डिपेंड करते हैं हमारे यूज़ पे, कि हम उसका अच्छा इस्तेमाल करें, उसका बुरा इस्तेमाल करें। बेसिकली चीज़ बुरी नहीं होती, ठीक है। अब आप मोस्टली सुना होगा कि जी हमारे मतलब यूज़ किया जाता है कि जी बच्चों को मोबाइल ने ख़राब कर दिया। अब मोबाइल एक चीज़ है, वो किस तरह से ख़राब कर सकती है ना स्टूडेंट्स। सोचने वाली बात तो ये है कि मोबाइल तो एक चीज़ है, वो हमें खुद से बुला तो नहीं रहा कि भाई मेरी तरफ आओ, मुझे पकड़ो, मुझे यूज़ करो। मेनली उसका यूज़ डिपेंड करता है कि हम उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या हम उसको बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एम राइट और नॉट, ओके। अब ये तो थे कुछ एडवांटेजेस, तो ऑब्वियसली से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो देखते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ एंड टीनएजर्स, यूथ यानी कि यंगस्टर्स, जवान लड़के लड़कियाँ और टीनएजर्स, 12-13-19 ईयर्स के लोग होते हैं, कि इसके क्या नेगेटिव असरात हो रहे हैं सोशल मीडिया के हमारे यंग जनरेशन पे। अब क्या कि कॉपिंग सुपर हीरोज़ इन रियल लाइफ, अब हम क्या करते हैं जी,
हमने कोई ना कोई अपना आइडियल बना लिया, फिर हम उसको फॉलो करें। जस्ट लाइक अगर हम किसी सेलिब्रिटी की बात करें जी, कि हम फॉर सपोज हम किसी इंडियन सेलिब्रिटी को या पाकिस्तानी सेलिब्रिटी को हम फॉलो कर रहे हैं, ओके तो हम क्या करते हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको अपनी रियल लाइफ में कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जबकि क्या स्टूडेंट्स करना चाहिए कॉपी? क्या आई थिंक कि देखिए, हम वी आर मुस्लिम्स, हम हमारा रिलीजन के इस्लाम, और हमारे सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो एक कंप्लीट कहते हैं ना नमूना हयात, मतलब ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, हमें चाहिए उनको कॉपी करें, उनको फॉलो करें, ताकि हम सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सकें। ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि हमारी आखिरत भी सवर जाए। इंक्रीज्ड केसेस ऑफ क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। वुमेन हरासमेंट, यानी कि आपने देखा होगा कि हरासमेंट यानी कि तंग करना। जस्ट लाइक आपने देखो कि फेक आईडीज़ लोग बना लेते हैं, फेक आईडीज़ बना के एक दूसरे को तंग करना। कोई अगर लड़का है तो वो लड़की बन के बात करे, अगर लड़की है तो लड़का बन के इस तरह से लोगों को तंग करना। जस्ट लाइक एक टाइम वेस्ट करना अपना। सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी को अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं लोग। जस्ट लाइक अगर मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, फॉर सपोज अगर फेसबुक आईडी यूज़ करें कोई एक बंदा, कोई एक मीडियोकर है, मतलब आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है कुछ बहुत रिच है, आपने देखा होगा वो डेली बेसिस पर जो पोस्ट लग रही हैं कि जी आज इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में उन्होंने डिनर किया, इस रेस्टोरेंट में उन्होंने लंच किया, तो क्या होता है लोगों में मतलब एहसास कमतरी का शिकार कि यार सब लोग जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते। तो एक ये भी इसका नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ रॉन्ग पर्सनालिटीज़, मतलब कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि मतलब उनके एक क्या कह लें, उनके एक स्टेटस अच्छा नहीं बना होता, इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता, तो हम उनसे बहुत मुतासर होने लग जाते हैं, जो कि गलत है। फियरलेस एटीट्यूड, मतलब बेखौफ एटीट्यूड से हम कहते हैं देखी जाएगी जो भी होगा ये वो, इस तरह का एटीट्यूड, एज ए रूड एटीट्यूड विद पेरेंट्स, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आपने देखो कि हम सोशल मीडिया में इतना गुम हो गए हैं कि हमें नहीं पता चाहिए हमारी फैमिली, मतलब आपने देखो कि हम फैमिली में भी बैठे हुए क्या है कि मोबाइल में लगे हैं, हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है, रूडली बात कर रहे हैं, ये कि बहुत गलत है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फैमिली गैदरिंग्स, वही बात, हम गैदरिंग में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, लेकिन हम क्या है बैठे तो हम फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंट हैं, लेकिन मेंटली हम वहाँ पर एब्सेंट हैं, क्योंकि हमारा ध्यान तो सारा मोबाइल में है, सोशल मीडिया ऐप्स में है। फॉलोइंग ऑफ अननोन फ्रेंड्स, मतलब किसी लोगों को जानते भी नहीं, हम फेसबुक अननोन फ्रेंड्स ऐड कर लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन लोगों से हम बातचीत करते हैं उनको हम जानते भी नहीं, उन लोगों को हम छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, जो कि हमारी पूरी ज़िंदगी होती है, पेरेंट्स, अपनी फैमिली। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, मतलब हम क्या कहते हैं सोशल मीडिया ऐप्स में सारा दिन इतना गुम होने के बावजूद क्या कहते हैं हम इन स्टडीज़ में इंटरेस्ट अपना खो देते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली स्टिल आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे करते होंगे जो यूट्यूब, कहने को तो यूट्यूब वीडियो सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन क्या है पेरेंट्स से तो ये झूठ बोल के कि जी हमने लेक्चर सुनना है, मोबाइल तो पकड़ लिया, लेकिन क्या होता है हम टाइम किस में स्पेंड करें जी, हम फेसबुक में लग जाते हैं, गेम्स में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फ्रेंड्स से कॉन्टेक्ट में, तो ये किस्म का हम डॉज दे रहे हैं। तो ये तमाम नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि सोशल मीडिया के हैं हमारे यंगस्टर्स पे, टीनेजर्स। स्टूडेंट्स आपने इन तमाम चीज़ों की बातों के बारे में सोचना है और कोशिश करना है कि हम इन तमाम इम्पैक्ट्स को अवॉइड करें जो कि हमारे लाइफ पे असरअंदाज हो रहे हैं, ठीक है। आई होप यू विल फॉलो दीज थिंग्स। वेल स्टूडेंट्स, नाउ योर डायरी इज, यू हैव टू टेल विच सोशल मीडिया ऐप यू यूज़ द मोस्ट। कौन सी सा सोशल मीडिया ऐप है जो कि आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? आइदर इट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, एनी अदर ऐप। डिस्कस इट्स एडवांटेज इन द फॉर्म ऑफ वॉइस मैसेज इन योर क्लास। स्टूडेंट्स आपने करना क्या, आपने कि आपकी एक्टिविटी बेस्ड डायरी आपने बताना है कि कौन सी सी सोशल मीडिया ऐप है जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं, और पहले तो आपने उसका नाम बताना है, फिर आपने उसके एडवांटेजेस डिस्कस करने हैं। डिस्कस किस तरह से करना है, आपने ग्रुप में, अपने क्लास के ग्रुप में एक वॉइस मैसेज शेयर करना है कि जी इसके ऐप के ये, मैं ये ऐप यूज़ करता हूँ, इसके ये एडवांटेजेस हैं। यू कैन शेयर योर मैसेज इन द आइदर इन द इंग्लिश और उर्दू, इट्स टोटली अप टू यू, बट मस्ट ट्राई टू शेयर योर आइडियाज़, योर व्यूज, ओके। कि आप क्या समझते हैं कि मैं जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ उसके ये फ़ायदे हैं। क्लियर? आई होप यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग।
Well, students, that's all about today's lecture. Now, see you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.